कल अख्तियार किया। ये शायद मेरे ख्याल से 70-80 साल पहले ये इस तरह का गुजर हाउस होगा, मगर आज ये काम मुकम्मल हुआ है। मैं जनाब के डी रामाराव साहब को, अरविंद साहब को और हमारे मीर खान साहब को, कि उन्होंने बड़ी दिलचस्पी लेकर इस काम को अंजाम दिया, मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जैसा कि अभी अमीर साहब ने कहा कि यहाँ पर चार कमान, नस्ली कमान और दीगर कमानों को भी जो गोशीदा हो चुके थे, उसमें उसके हिस्से गिर रहे थे, उसको रिनोवेट और मजबूत किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी आप देख रहे हैं कि बड़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। आज हुकूमत ने जब पुराने चार मीनार बस स्टैंड जो खाली किया गया था, उस वक्त से हमारी पूरी कोशिश थी, और ख़ास तौर से मैं जिक्र करना चाहूँगा जनाब मुमताज़ खान साहब के सन्नी चार मीनार का, कि हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर एक पार्किंग लॉट बने, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अरविंद कुमार साहब हुकूमत की तरफ से आकर वहाँ पर उस पार्किंग लॉट का संग बुनियाद डाला गया है। 40 करोड़ की लागत से वो पार्किंग लॉट की तामीर होगी। उसमें दो जेर ज़मीन में दो डबल ग्राउंड फ्लोर और ऊपर से दो फ्लोर होंगे, वहाँ पर गाड़ियों को पार्किंग का इंतज़ाम होगा, टू व्हीलर के पार्किंग, मोटरसाइकिल की पार्किंग का इंतज़ाम होगा। साथ ही साथ जो हमारे हॉकर्स हैं उनके लिए भी वहाँ पर जगह मुख्तसस की जा रही है, ताकि वहाँ पर वो बैठकर अपना कारोबार अंजाम दे सकें। क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पर जितने लोग, जिनकी दुकानें हैं, जिनका कारोबार है, वो जानते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा मसला गाड़ियों की पार्किंग का बनता है। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला एक 1.5 साल के अंदर जब वो काम मुकम्मल होगा, तो इससे बड़ी हद तक राहत मिलेगी यहाँ की आवाम को, कि अपनी गाड़ी पार्क करके और वो यहाँ पर इस पूरे पत्थरगट्टी में यहाँ पर आकर जो भी कस्टमर आता है या लोग चार मीनार को देखने आते हैं, उनको बड़ी सहूलत होगी। इस सिलसिले में चौक मुर्गी मार्केट का जिक्र ज़िया साहब नहीं करें, मुर्गी चौक मुर्गी मार्केट को भी नई असर नौ उसकी तामीर की जा रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम चौक मार्केट के जिम्मेदारों का, वहाँ के दुकानदारों का, कि उन्होंने वहाँ से मुंतकिल किया, अपनी दुकानों को छोड़ा, फिर वक्त पेंशन पेमेंट ऑफिस में उनको जगह दी गई है टेम्पररी बेसिस पर, और जैसा चौक मार्केट का काम मुकम्मल हो जाएगा वो वापस दोबारा अपनी पुरानी मार्केट के पास चले जाएंगे। और पेंशन पेमेंट ऑफिस के अंदर भी एक पार्किंग लॉट का काम होगा। मैं अरविंद साहब से और ज़िया साहब से गुजारिश किया हूँ कि पेंशन पेमेंट ऑफिस में जो पार्किंग लॉट बनाया जाएगा, उसमें टूरिस्ट बस को रखने की जगह देना ज़रूरी है। अगर वहाँ पर हम उस पार्किंग लॉट में अच्छी तरीके से बनाएंगे, ताकि टूरिस्ट बस वहाँ पर आकर अपनी गाड़ी में बस को पार्क कर सकें, क्योंकि बहुत से टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट बसेस आते हैं, वो फिलबत ग्राउंड के पास खड़ा कर देते गाड़ी को, उससे ट्रैफिक के लिए भी खलल होता है। तो ये काम अल्हम्दुलिल्लाह, इस काम को अभी जब चौक की मार्केट बन जाएगी और वो काम शुरू होगा, फिर ये भी आपको भी बताया गया कि दो ब्रिजेस का संग बुनियाद आज किया जा रहा है, अफजलगंज के पास मूसी नदी के ऊपर, और एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है ईस्टर्न साइड नयापुर ब्रिज के, तो इसकी लागत करीब 80 करोड़ की है। तो यहाँ पर भी हम हॉकर्स के लिए एक प्रपोजल बनाया गया है कि उनको वहाँ पर अपना कारोबार कर सकें। तो मकसद यही है कि हमारे पुराने शहर का अगर जो कमर्शियल एरिया है, तो यही है, ये बहुत बड़ा हमारा कमर्शियल एरिया है, जिससे बहुत से हज़ारों आवाम को रोज़गार मिलता है, चाहे पत्थरगट्टी का हो, लाड़ बाज़ार का हो। लाड़ बाज़ार में एक ही किस्म के तमाम दुकानों का फसाद का काम हुकूमत अपने अपने खर्चे पर कर रही है, उसकी लागत करीब 50 करोड़ है। इंशाल्लाह ताला एक साल भर के अंदर वो काम मुकम्मल हो जाएगा। तो इस इलाके को प्रोटेक्ट करना, इसको और अच्छा बनाना, खूबसूरत बनाना, ताकि ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पर जारी रह सके, हम हमारी तारीख की हिफाजत कर सके, हेरिटेज की हिफाजत कर सके, यही कोशिश हमारी पार्टी की है, हुकूमत की है। तो मैं ये बात आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि इलेक्शन का मौसम आ रहा है, तो बहुत से लोग सोचते रहेंगे हमारे पुराने दुश्मन हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, और उनको ही समझना चाहिए हम इसको रिवर्ट कर रहे हैं, और आप रिवर्ट नहीं कर सकते। आप बैठे रहेंगे, अपनी काम को करते रहेंगे,
हमको किया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ स्टेशन का और हमारे वीर साहब की उनकी टीम का, उन्होंने बड़ी दिलचस्पी से इसको गुलजारा हाउस का क्याम उस पर अच्छा खूबसूरत बनाया। कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सेल्फी लेके थूकना नहीं पान में, ये थूकने की जगह नहीं है, पान थूकने की, सिगरेट फेंकने की, गुटखा या खाके उसका फेंकने की। ये अगर हम इसकी हिफाजत नहीं करेंगे, हम इसको खूबसूरत नहीं रखेंगे, तो आप करोड़ों रुपया खर्चा कर लो, ये सही होने वाला नहीं। तो ये हम तमाम की जिम्मेदारी है कि अगर वैसा कर भी रहा है तो उनको थोड़ा समझाएं कि भाई साहब ये वो जगह नहीं है। तो ये इसको अगर आप, यानी मैं डर मुझे इस बात का है कि यहाँ पर कोई सिगरेट फेंकेगा, कोई पान का थूकने की जगह बना देगा। ये पान मान थूकने की जगह नहीं, इसको खूबसूरत रखिए। इससे इस तमाम इलाके की खूबसूरती में और यहाँ पर इसकी लोग जितने यहाँ पर आएंगे उससे आप तमाम को फ़ायदा होगा। तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि हमारी तारीख की हिफाजत की जाए, इस इलाके को और खूबसूरत बनाया जाए, बल्कि पुरचिया जोड़ी को भी रेनोवेट और रिस्टोर किया जा रहा है। और ऐसी कई बोलियां हैं हैदराबाद की जिसको अरविंद साहब और उनकी ज़ेर क़यादत वो बोलियों को उसके पुराने नहज पर उसको लाया गया है। तो ये काम हो रहा है तारीख को बचाने का। सरदार महल आप देखेंगे इंशाल्लाह एक साल के अंदर बेहतरीन खूबसूरत सरदार महल बनेगा, एक टूरिस्ट की जगह बनेगी। और वैसे ही कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो पुराना दफ्तर है उसको भी रेनोवेट और रिस्टोर किया जा रहा है, ताकि हम अपनी इन तारीखी इमारतों की हिफाजत हम करेंगे। तो इससे कम चल रहा है, बल्कि 20% काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। निराला मंडी का 20% काम हो चुका है, वहाँ पर भी कमान है सब, उस कमान का भी, पुरानी कमान का भी रेस्टोरेशन हो रहा है। उसके साथ में ये तमाम निराला मंडी के स्टाफ में स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम मुकम्मल हो चुका है, साथ और VDCC रोड भी वहाँ पड़ी है। ये कमान और रोड बाइंडिंग का काम भी है छत्ता बाजार का, आपके नागावली के पास शेख फैज कमान का डबिलपुरा दरवाजे तक, और आपके इंजन बॉली से भट्टेपल्ली तक ये तमाम काम मंजूर हो चुके हैं। अब जितना हो सके उनको नोटिसें देकर इंशाल्लाह ताला रोड बाइंडिंग का इन 4-5 मकाम पर काम शुरू होगा। और मेरी साहब से गुजारिश है वो एक हेरिटेज के नाम पे मिस्किन शाह के नाम उसको निकालो साहब, आप हाँ अलियाबाद सराय का उसको निकालिए साहब, एक वहाँ जाके पूरा ब्लॉक हो जा रहा। अगर आप लोग इजाज़त दे दी हेरिटेज कमेटी में आया उसको अगर साफ हो गए तो पूरी रोड, क्योंकि वहाँ के ट्रैफिक ब्लॉक हो जा रहा है, शाम के टाइम से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हमारा। और आप जानते हैं कि मेट्रो का भी काम शुरू होगा, उसका सर्वे जो भी है सॉइल सर्वे सब चल रहा है, इंशाल्लाह ताला वो काम भी अंतरिम में शुरू होगा। उसमें भी आप तमाम से भी दरख्वास्त है कि ताउन करिए। अभी से हमारे दोस्त हजरात जो शुरू कर दिए कि ये टूटेंगा वो टूटेंगा, अरे भाई डेवलपमेंट आएगा, घर बना रहे तो थोड़ा तकलीफ उठाना पड़ेगा ना। अब जब मेट्रो आएगी तो इंशाल्लाह ताला जुबली बस स्टैंड से लेकर आप फलकनुमा तक हमारी मेट्रो जब जाएगी तो जाहिर है इसमें ट्रैफिक का मसला है। शाम के वक्त में तो मैंने हम भी चल इस रोड पे चलते हैं, चलाते गाड़ी आप भी चलाते हैं, तो मेट्रो बहुत ज़रूरी है। बड़ी मुश्किलात से हमने हुकूमत को राज़ी करवाया और चीफ मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने खास दिलचस्पी ली इन कामों के लिए। और आप देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिन में हम लोग याकूतपुरा, चार मीनार, बहादुरपुरा, कारवान में करीब 160-170 करोड़ के नए कामों का इफ्तिताह किए हैं, और ये काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द शुरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।